सो गाइज, सो इट्स 6:05 इन द मॉर्निंग एंड आई हैव डिसाइडेड सम प्लान. मैंने अभी श्रीजा को फ़ोन किया एंड आई हैव टोल्ड हर दैट मुझे बाहर निकलना है. ड्यू टू द कोविड सिचुएशन आई एम नॉट गोइंग आउट ऑफ द होम एंड आई एम नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ द होम. मम्मी पापा बहुत ही गुस्सा हो रहा है, पर अभी मैंने बोला 6 बज रहे हैं, लेट्स गो आउट एंड एक्सप्लोर, बिकॉज अभी कोई बाहर ज़्यादा लोग नहीं है, 7:30 के अंदर घर आ जाएंगे. यार प्लीज़ होप फॉर द बेस्ट कि श्रीजा राजी हो जाए. ठीक है, मैं अभी उसको कॉल करूँगा, उसको उठाऊँगा 2-3-4-5-10 बार फ़ोन करके एंड आई विल टेल हर दैट आई विल जस्ट गो आउट फॉर 1 and 1.5 hour एंड जस्ट डू अ व्लॉग. सो द व्लॉग विल बी रेडी एंड यार थोड़ा दिल भी खुश हो जाएगा. नहीं, बाहर नहीं जाना चाहिए अभी, पर सुबह का टाइम थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक चलता है एक दिन के लिए चलता है. आज ना लास्ट तो बार मतलब 8-9-10 बजे का तो निकल ही नहीं रहा हूँ, सिर्फ 6 बजे भी ज़्यादा लोग नहीं है. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल. आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल. थोड़ा गाड़ी को रुकवाता हूँ यहाँ पर और कुछ बात करना है. आज हुआ क्या? ठीक है, आज मैंने पूरी रात मतलब आई डिडंट स्लीप फॉर द होल नाइट, आप इवन जस्ट सी फ्रॉम द आईज. तो मैं 5:30 या 6:45 बजे ना 5:45 मुझे तो 6 PM हाँ, मैंने एक ट्राई लिया कि लेट्स कॉल हर. तो मैंने एक मतलब 10-20 जितना भी बार हो सके मैं उसको कॉल कर लूँगा और उसको जगाऊँगा. ठीक है, मतलब बात ऐसा है कि जब मैं कॉल करता हूँ तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है, पर अंदर ही अंदर मुझे खुशी होता है. ठीक है, नहीं कोई खुशी नहीं होता, थोड़ा होता है. यू लाइक टू ट्रैवल, इसका मतलब ये नहीं कि तुम की सत्यानाश कर दो. ऑल ऑफ अ सडन का ना अलग ही मजा होता है. देखिए भाई, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए पता है 85-90% आपको डिसिप्लिन होना चाहिए, पर मतलब मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि कभी कभी ना मतलब सडन प्लान आर द बेस्ट प्लान. ऐसा मुझे तो लगता है. अभी और एक बात श्रीजा ने कहा है आज, एक मतलब जितना भी टाइम मैं सुबह निकला हूँ ना, क्या हुआ है मेरा फाइन कटा है. ठीक है, उफ क्यों बोला, ए सी. अच्छा सॉरी, ज़्यादा जोर दिया था ना, नहीं मुझे थोड़ा गर्मी लगा है इसलिए. सो दैट वाज द प्लान फॉर टुडे. मुझे बहुत जोर से भूख लगी तो मैं घर से ये बापूजी केक लेकर निकली हूँ. ये बापूजी केक का ना मैं फैन हूँ, आपको पता है, मतलब ये बापूजी केक का टेस्ट इतना प्रीमियम होता है ना, मैं इसका फैन बन गया हूँ. सच में बचपन से था. मैं 15 मिनट्स में रेडी होकर आ गई हूँ. बहुत तब भी तुम मतलब बहुत खूबसूरत है. मुझे खूबसूरत नहीं लगनी है, मैं मजाक कर रहा था. मैं मजाक कर रहा था, तुमने कैसे सोच लिया? अभी हम लोग ये बापू जी के खा रहे हैं. हेलो गाइस, तो कैसे हो सब लोग? भाई मैं तो बहुत ही खुश हूँ आज, पर कुछ बात मतलब जो भी वीडियो देख रहे हैं तो उन सबसे कहना चाहता हूँ, द सिचुएशन इज नॉट गुड, कोविड सिचुएशन है, तो इसलिए हम लोग अभी 7 बजे, अब देख लीजिए घड़ी का टाइम, अभी 7 बजे है. ठीक है, तो इसलिए मैं घर से निकला हूँ, पर 7:04 यार ऐसा नहीं, जो भी है, पर मैं जब बहुत मतलब जब बहुत ही ज़्यादा गैदरेंस हो रहा है तब हम लोग निकल रहे हैं, पर आज सोचा आज एक वीडियो जाएगा. ठीक है, आज एक वीडियो जाएगा, उसका इंस्टाग्राम में तुम दे देना. ठीक है, आज 11-12 बजे के अंदर वीडियो चला जाएगा, तो मैंने सोचा हाथ में कुछ वीडियो भी नहीं होगा
और उसके बाद तो हम घर पे वीडियो बनाएंगे। तो आज शायद लास्ट या सेकेंड लास्ट है हम बाहर आके वीडियो बना रहे हैं। एंड आप लोग देख सकते हो 360 व्यू देता हूँ, कोई भी नहीं है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर हम लोगों का कोई भी नहीं है, सिर्फ देखिए नो वन इज देयर। सो दैट्स व्हाई यू निकले। तो अभी कोविड का बात खत्म, चलिए आते हैं थोड़ा पॉजिटिव, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं। हाँ एकदम, मतलब जिम वाला कॉस्ट्यूम, मैं थोड़ा सा दिखा दो मेरा कॉस्ट्यूम। दिस इज माय कॉस्ट्यूम फॉर टुडे। सो दिस इज बेसिकली अ जिम पैंट, ओके, एंड दैट ड्रेस इज जिम के लिए मैं कभी-कभी ये पहन लेता हूं। अभी ट्राइसेप्स हो रहा है, शेप ले रहा है। एनीवेज वो सब छोड़िए, जिम कर रहे रेगुलर, मतलब इस अप्रैल मंथ में मैंने जिम एक भी दिन मतलब नहीं किया था, ऐसा हुआ एक दो तो उसकी वो भी मतलब वजह कौन है उसका, ऑब्वियसली तुम्हारे साथ ही निकला था। हाँ एक दो दिन बस बाकी गया था भाई, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तुम बोलो तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे अभी तो ठीक लग रही है, और सुबह जब मैंने तुम्हें कॉल किया तब तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर, वो हमेशा ऐसा ही करते हैं। नहीं यार सुबह का मतलब जो पॉजिटिविटी होता है ना, मतलब एकदम अलग होता है, सच बोल रहा हूँ। एक्चुअली हर रोज वो 12 बजकर उठता है और एक दो दिन ऐसे एकदम मॉर्निंग में कॉल करके ऐसा करेगा तो कोई भी गुस्सा हो जाएगा। नहीं नहीं हर रोज 12 बजे नहीं उठता, ऐसा नहीं है, एक बजे भी उठते हो। हाँ पता है मुझे, सब कुछ एक्सपोज करना जरूरी है। वही तो, नहीं नहीं देखो भाई मतलब कभी कभी काम हमेशा मॉर्निंग में रहता है मेरा, थोड़ा मतलब मेरा ऐसे कोई काम नहीं है, ठीक है। और जो भी है थोड़ा सा हम मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स गो टू वॉक, चलो गाइस। तो अभी हम लोग यहाँ पर वॉक करेंगे, बट बहुत ज़्यादा धूप है तो कुछ टाइम 10-15 मिनट वॉक करके हम लोग धूप, मतलब ये जो विटामिन डी का एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ विटामिन डी तुम्हें इस टाइम ही मिलेगा, तो एब्सोल्यूट या एब्सोल्यूट इतना पता नहीं है, पर तब एक्सैक्ट जो अच्छा धूप है ना तो तुम्हें इस टाइम ही मिलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है क्या मेरा? जरा सच में बोलो, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं हुआ है? थोड़ा सा हुआ है। कितना महीना हुआ जिम कर रहा हूँ? 4-5 मंथ्स 8 मंथ्स नवंबर से कर रहा हूँ, पर शायद ना मेरे अंदर, मतलब ये ऑब्वियसली लाइफस्टाइल ब्लॉग ही है, थोड़ा सा सिनेमैटिक बनाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा अच्छा रहेगा ना थोड़ा सा। तो दोस्तों जो अभी मैंने दिखाया है वो ईडन गार्डन्स है, ठीक है। मतलब जो कलकत्ता में रहते हैं वो सोचेगा क्या बोल रहा है भाई, ये सबको पता है क्या बोल रहा है, बेकार टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है सबका भाई। पैसा बहुत लोग शायद हम लोगों का वीडियो देखते हैं, देखते हैं ना, मतलब जो हम एनालिसिस करके देखते हैं ना, बाहर के भी लोग वीडियो देखते हैं, इसलिए बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, कलकत्ता का लोग सबको पता है। चला गया, तो जो आउट ऑफ कलकत्ता है उनको लिए ईडन गार्डन, वन ऑफ द बिगेस्ट ग्राउंड। और एक बात, वन ए आज आई एम श्रेया चटर्जी, आई एम श्रेयन कोबत्ता, वेलकम टू लेट वॉक टुगेदर। Say hi. आइए मैडम, मास्क पहन लीजिए। और सुबह सुबह जब तुम निकल रहे हो ना, एनीवन, मतलब सुबह निकलने के टाइम में मुझे हमेशा एक ही चीज़ मतलब दिमाग में आता है यार, आसपास मतलब 10 किलोमीटर के अंदर भी कोई गंगा है ना, कोई रिवर है ना, वहाँ पर जाना चाहिए। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी वहाँ से मिलता है। सो दैट इज़ अवर लास्ट ट्रिप। मैं 6:30 बजे निकला था घर से, 9 बजे के अंदर घर में घुस जाऊँगा, ठीक है। तो अभी दिस इज़ द लास्ट स्पॉट। थोड़ा सा यहाँ पर 10-15 मिनट बैठूँगा प्रिंसेप घाट में और फिर डायरेक्ट टू घर। Thank you.
पूजा, हाउ वाज द मॉर्निंग? मेरा प्लान कैसा था? अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। तो अभी हम लोग हैं प्रिंसेप घाट पर, पीछे गंगा है तो, और वो है कोलकाता का फेमस ब्रिज, हावड़ा ब्रिज। दिखाओ दिखाओ। तो यहाँ पर हवा बहुत ही सूदिंग एक हवा चल रही है तो, और बहुत जोर से भूख भी लगी है। एक बात बताओ, मतलब बहुत अच्छा लगता है, सच बोल रहा हूँ यार, जो लोग कलकत्ता में रहते हैं ना, एक दिन आके देखो, अच्छा लगेगा। मतलब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको अच्छा लगेगा। आ जाओ, सब जगह ही अच्छा है। एक इस एकदम रिवर साइड आ जाओ, कुछ ना कहो, बस चुपचाप बैठे रहो, एकदम 10-15-20 आधा घंटा के लिए चुपचाप बैठे रहो, कुछ ना सोचो, बहुत अच्छा लगेगा। गाइस, तो अभी हम लोग आ गए हैं खाने के लिए। तो बहुत भूख लगा है। शर्मा टी में हम लोग आए हैं, तो यहाँ पर कचौड़ी और चाय, कचौड़ी खाएंगे और चाय पियेंगे। कचौड़ी खाएंगे, चाय पियेंगे, कचौड़ी खाएंगे ना? ना, चाय खाएंगे, कचौड़ी पियेंगे। बड़ा एक्सप्रेशन। वो देखो गाइस, शर्मा टी। ये देखो गाइस, भूख के बाद बहुत भूख लगा है मुझे, बहुत ही भूखा हूँ मैं, बहुत ही भूखा। हम लोगों की आ गए है ये केसर चाय, ये देख लो। मुझे बहुत ही, मतलब मुझे पंजाबी डिशेस ना बहुत ही अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों। इतना सारा ऊपर से केसर, मतलब मेरा फेवरेट आइटम्स, ठीक है, फलूदा बहुत अच्छे लगते हैं, लस्सी बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब चाय पीता हूँ, पंजाबी जगह पे आके ही चाय पीता हूँ, हर रोज नहीं, जब जब कभी कभी आता हूँ, ठीक है, क्योंकि पता नहीं मुझे पंजाबी का, मतलब जो खाना है मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं थोड़ा ज्यादा भी खाता हूँ टेस्टी जाके, मतलब हाँ थोड़ा ज्यादा खाता हूँ मैं, ये सच है। टेस्टी चाय है, चाय तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, तो बहुत ही टेस्टी है। एट द एंड ऑफ द डे वी आर बंगाली, बंगाली को चाय हमेशा बहुत अच्छा लगता है। तो गाइज, वीडियो यहाँ पर ही एंड करते हैं, चाय हम लोग शांति से पीना चाहते हैं। नहीं, शांति वीडियो बनाने में ही होता है, ऐसा हाँ, नहीं है। वो तो होता है, गर्म है बहुत, हाँ, ज्यादा गर्म है। एक मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है, तो चाय उबल गया, उबल नहीं गया था, क्या बोलते हैं, हाँ, तो गिर गया था हाथ के ऊपर, हाँ। तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो गाइज, अभी मैं अच्छे से, हम और दोनों वीडियो को यहाँ तक देखे हो तो प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब, लाल वाला बटन होता है उसको सब्सक्राइब थोड़ा सा करके दीजिए ना, क्या आ जाएगा, और बेल भी टिंग टिंग करके बजा देना, हाँ, ठीक है, प्लीज वो कर देना बस, और वीडियो को देखना, हम लोग एंटरटेनमेंट देते हैं, ठीक है, इट्स लाइक अ केक, देखना खाना बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोग, ठीक है, देखते रहिए, लेट्स वॉक टुगेदर, फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स लाइक्स बढ़ाते रहिए, हम लोग एंटरटेन करते रहेंगे। बाय, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस।